साल 2010 की बात है, जब रूस में ऐसी भयानक झुलसती गर्मी आई थी जिसमें 53,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसके पीछे मेन रीजंस क्या थे, नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा, जिसमें रूस के पश्चिमी इलाकों में सबसे ज़्यादा कोहराम मचा था। इस रीजन से पश्चिमी रूसवासियों को ड्राउट, फॉरेस्ट फायर, फ्लड और भी कई सारी भयंकर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा था। और आज के समय ऐसा ही हाल हमारे देश का भी हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस, झारखंड में 47.5 डिग्री सेल्सियस, वेस्ट बंगाल में 43.9 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश में 48.1 डिग्री और आंध्र प्रदेश में 46 डिग्री सेल्सियस। एंड हाल ही में भारत मौसम विभाग ने अब तक की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर दर्ज करी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मंगेशपुर शहर में टेम्परेचर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो कि हमारे भारत के इतिहास का अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था। एंड इससे पहले राजस्थान के फलौदी शहर में सबसे हाईएस्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा था। लेकिन अभी पेशेंट्स का नंबर कुछ दिनों में इस हफ्ते में बढ़ गया है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है, 49 तक पहुंच गया है टेम्परेचर, कहीं कहीं 50 भी टच। क्या इतने टेम्परेचर में एक सामान्य मनुष्य के लिए सर्वाइव कर पाना आसान है? बताओ, मैं बताता हूँ, बिल्कुल नहीं दोस्तों। 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 122 डिग्री फारेनहाइट, इट मींस इतना टेम्परेचर किसी भी स्थिति में एक सामान्य मनुष्य के लिए नॉर्मल नहीं है। एंड इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी में बार बार पानी और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो कि इतनी क्रिटिकल हो सकती है कि हमारी जान तक जा सकती है। उसी दौरान एक के बाद एक क्योंकि तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए हमने जल्द से जल्द समझदारी नहीं दिखाई और अपने पर्यावरण को नहीं बचाया तो ज्यादा देर नहीं लगेगी रूस यूरोप जैसी हालत होने। बट इतनी गर्मी आखिर बढ़ कैसे रही है और क्या है इसके पीछे के रीजंस? कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है इंसेन हीट वेव। बट ये हीट वेव होती क्या है और इनसे कैसे बचा जाए, आगे चल के तो मैं वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, जिससे कि अपनी माँ समी के खूबसूरत देश और देशवासियों को हम इन प्राकृतिक आपदाओं और दर्दनाक मौतों से बचा पाए। बस मुझे अपनी लाइफ के 15 मिनट दे दो, चलो जानते हैं। मशहूर गीतकार जुबिन नौटियाल के एक भक्ति गीत में मनुष्य के जीवन से जुड़े कुछ बोल है, जरा सुनिए। नियति वेद नहीं करती, जो लेती है वो देती। अब मुझे बताओ, इन शब्दों को सुनकर तुम्हें क्या सीख मिली? मैं बताता हूँ, नियति यानी कि मनुष्य का भाग्य, और ये एक ऐसी चीज है जो मनुष्यों के कर्मों के ऊपर निर्भर होती है। एंड इसके अगले ही बोल में कवि कहते हैं, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। अर्थात हम सभी मनुष्यों के जीवन में हमारे सबसे बड़ा धर्म होता है हमारा कर्म। जो मनुष्य अपने जीवन काल में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्तव कर। लेकिन क्या आज के समय में हम में से कोई भी पावन कर्म कर रहा है? इसका साफ उत्तर है नहीं। हम में से ज्यादातर पृथ्वीवासी आज अपनी इस अनमोल सी पृथ्वी और पर्यावरण को दिन ब दिन बद से बदतर करते जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार हम खुद हैं। एंड आज हम सभी की लापरवाही की वजह से देश ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सालाना 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ हीटवेव से हो रही है। जिसमें हमारा इंडिया 5वें पायदान पे है। अब तुम सबके मन में सवाल ये होगा कि ये हीटवेव्स होती क्या है एंड इसका इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पर कैसे पड़ता है और इसके लिए हम जिम्मेवार कैसे हैं, सब बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि हीटवेव्स बनने के 3 मेजर रीजंस हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एल नीनो इफेक्ट शामिल है। वेल, एल नीनो इफेक्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, पहले समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में।
जिसे बर्बाद करने में हम सभी लोग जी जान से लग गए हैं, जिसमें इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन मीन्स जंगलों की अंधाधुंध कटाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हाई पॉपुलेशन, फूड प्रोड्यूसिंग जैसे कारण है, जिसका सीधा इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ता है, जिस रीजन से हमें क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या देखने को मिलती है, जो कि मौसम के पैटर्न को ही बदल देती है। Because the soil of a rainforest is very good. We are actually tempering. जिस रीजन से ही हमें देश के कई राज्यों में मॉनसून समय से पहले ही नजर आते हुए दिखाई देता है और साथ ही में अनप्रेडिक्टेबल रेन भी देखने को मिलती है। एंड इसका नतीजा ये है दोस्तों कि आज अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स यानी कि हिमालयों के बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिस रीजन से समुद्रों में जल की मात्रा काफी तेजी से बढ़ रही है। एंड इसका इम्पैक्ट कितना भयंकर और विनाशकारी हो सकता है इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। चाहे वो अफ्रीका के लीबिया का बाढ़ हादसा हो जिसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई थी, या फिर 1953 में आई उत्तरी सागर की भीषण बाढ़ हो जिसने इंग्लैंड के पूर्वी तट पर तबाही मचा दी और 300 से अधिक लोगों की जान ले ली। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अंटार्कटिका की सबसे पुरानी और मोटी बर्फों का 90% हिस्सा पहले ही पिघल चुका है और वैज्ञानिकों का अनुमान ये है कि अगर ग्रीन गैस उत्सर्जन में ऐसी अनियंत्रता जारी रही तो ज्यादा देर नहीं लगेगी अंटार्कटिका के बर्फों को खत्म होने में, जो कि पूरी दुनिया के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो आखिर क्या किया जाए, कैसे बचाई जाए हमारी इस सुंदर सी पृथ्वी को इन आपदाओं से और क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट, आओ ढूंढते हैं। वेल, सबसे पहले मेरी ये बात सुनो, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब पूछो क्यों? बता, एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके पीछे की इम्पैक्ट्स, रीजंस, स्ट्रेटजीज और क्या है सॉल्यूशंस जानने के लिए यहां क्लिक कर।